Welcome to the Career Defense School. Today we are here to discuss the RMS exam 2023 math section. So question number one, in a frequency table, the middle value of the class is 10. So what is the formula for middle value for calculating middle value? Middle value हम कैसे calculate करते हैं? Upper limit plus lower limit divided by 2. मिडिल वैल्यू की इक्वल होती है. तो यहाँ पे हमें गिवन है कि मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू 10. सो 10 इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो फ्रॉम हेयर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी? इट्स 20. इक्वेशन नंबर 1. देन हमें गिवन है द विथ ऑफ द क्लास इज 6. विथ मीन्स रेंज. एंड रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? अपर माइनस लोअर. ठीक है, सो हमें गिवन है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज इक्वल टू 6. सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को. सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2. सो फर्स्ट इक्वेशन इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट. इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज इक्वल टू 20 माइनस 6. सो फ्रॉम हियर अपर प्लस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ये पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है. सो नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव. लोअर लिमिट इज इक्वल टू 14. तो यहाँ से अपर लिमिट कैंसिल एंड 2 मल्टीप्लाई बाय लोअर लिमिट इज इक्वल टू 14. एंड फ्रॉम हेयर लोअर लिमिट इज इक्वल टू 7. सो क्वेश्चन में यही था, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. अब न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या है? 1 गिवन है. सो आंसर इज ऑब्वियसली 1. मतलब कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 इसका फैक्टर होगा. सो आंसर इज 1. नेक्स्ट, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30. मीन ऑफ 5 नंबर 30 गिवन है. मीन्स टोटल सम कितना होगा 5 नंबर्स का? टोटल सम ऑफ 5 नंबर्स कितना होगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 150. देन उसमें से 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड. एक नंबर हमने हटा दिया. देन मीन कितना बचता है? मीन बिकम्स 28. मीन्स मीन ऑफ 4 नंबर्स, जब एक नंबर एक्सक्लूड हो चुका है दैट मीन्स 4 नंबर्स बचे हैं. सो उसका मीन है 28. मीन्स टोटल सम कितना होगा 4 नंबर्स का? 28 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 112. तो आपको बताना है कि एक्सक्लूडेड नंबर कौन सा था. सो एक्सक्लूडेड नंबर विल बी 150 माइनस 112 विच इज इक्वल टू 38. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉ अ ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लाइन, लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट रिक्वायर्ड. अब 1 लाइन है, सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें. हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइन ड्रॉ करने के लिए. सो आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 676. ओके, सो स्क्वायर रूट मीन्स आपको रूट बताना है एंड यूनिट डिजिट चेक करो. 6 है, 6 किसके अंडर रूट, किसके स्क्वायर रूट में आती है? जब आप 4 का स्क्वायर करते हो, 4 से 16 होता है, मीन्स यूनिट प्लेस पे 16. एंड जब आप 6 का स्क्वायर करते हो, 6 6 36, मीन्स यूनिट प्लेस पे 6. सो आंसर विल बी 4 एंड 6. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैच ऑफ मैंगोज वॉज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 20 मैंगोज. ओके, 25 बॉक्सेस हैं एंड 20 मैंगोज हैं. इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 25 मैंगोज पर बॉक्स. अब यहाँ पे हमें बॉक्स नहीं पता बट 25 मैंगोज है तो टोटल मैंगोज हो जाएगा. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बॉक्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 25. 25 से 25 कैंसिल, मीन्स हाउ मेनी बॉक्स विल बी वुड बी फुल फिल्ड, दैट इज 20 बॉक्सेस. एवरी काउंटिंग नंबर हैज एन इन्फिनिट नंबर ऑफ फैक्टर्स. नहीं हो सकता बिकॉज
लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के. फॉर एग्जांपल 5, 5 के सिर्फ 5 एंड 1 फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर भी नहीं हो सकते. ठीक है, इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स, बिकॉज कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करोगे, 101 सिलेक्ट करो, उसके अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं. ठीक है, तो आंसर इज मल्टीपल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट, सॉरी, अ सर्कल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ बोर्ड. स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट टू फ्रॉम द रिजल्टेंट सर्कल. ओके, एक स्क्वायर गिवन है, देन सर्कल गिवन है, देन अगेन उस सर्कल के अंदर से स्क्वायर. क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट द साइज ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर. ठीक है, मीन्स जो लार्जेस्ट स्क्वायर की साइड है, दिस इज ए, सो एरिया कितना होगा? एरिया इज ए स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इज ए स्क्वायर. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप ये सर्कल का डायमीटर हुआ, ये जो डायमीटर है किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू ए, बिकॉज पैरेलल लाइन है, इससे पैरेलल लाइन है, दैट मीन्स ए के इक्वल होगी. तो अगर ये डायमीटर है तो ऑब्वियसली ये भी डायमीटर ही होगा, सर्कल का डायमीटर होगा. तो मीन्स ये जो डायमीटर है ये भी ए के इक्वल हुआ, दैट मीन्स डायगनल ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल. ये क्लियरली विजिबल है. ठीक है, दैट मीन्स जो डायगनल है स्मॉल स्क्वायर का वो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल होगा. ठीक है, एंड आप सबको पता है, अब यहाँ पे हम स्मॉलर स्क्वायर स्क्वायर इमेजिन करते हैं. ठीक है, इसका डायगनल आपको गिवन है ए, तो आप साइड बता सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. अब जो स्क्वायर होता है उसकी सब साइड सेम होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी भी ए बी की इक्वल होगी, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर. तो यहाँ से ए स्क्वायर 2 डिवाइड हो जाएगा ए बी स्क्वायर. स्क्वायर को आप नेक्स्ट साइड लेके जाओगे तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइडेड बाय √2. मीन्स जो ये साइड होगी वो क्या किसके इक्वल होगी? ए डिवाइडेड बाय √2, सेम ए डिवाइडेड बाय √2. सो यहाँ से स्मॉलर स्क्वायर का एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, दैट मीन्स ए डिवाइडेड बाय √2 होल स्क्वायर. इसको आप मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 से अनरूट से स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स 2. मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1/2 ए स्क्वायर. सो लार्जेस्ट स्क्वायर का जो एरिया था ए स्क्वायर के इक्वल था, एंड स्मॉलर स्क्वायर का जो एरिया है वो हाफ ऑफ ए स्क्वायर है. सो आंसर विल बी हाफ ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर नहीं हो सकता? ये चीज देखो, 0 का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, 1 स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे अगेन यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 9 9 81 यूनिट पे 1 आता है, देन 2 स्क्वायर करोगे एंड 8 स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आता है, 3 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर सो यूनिट डिजिट पे 9 आता है,
फोर स्क्वायर एंड सिक्स स्क्वायर यूनिट डिजिट पे सिक्स एंड फाइव स्क्वायर यूनिट डिजिट पे फाइव, तो कौन सा नंबर है जो स्क्वायर करते हुए नहीं आता? यूनिट डिजिट पे वन है, आ सकता है, पॉसिबल है। यूनिट डिजिट पे नाइन है, ऑब्वियसली आ सकता है, पॉसिबल है। यूनिट डिजिट पे एट है, इम्पॉसिबल है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे कभी एट नहीं आ सकता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज, ओके रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, सेम टोटल सरफेस एरिया गिवन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच, किसके इक्वल गिवन है? 968। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 7, 7 प्लस एच विच इज इक्वल टू 968। 7 से 7 कैंसिल, सो यहाँ से 7 प्लस एच इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाई, ये दोनों 2 एंड 22 मल्टीप्लाई में थे, राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22। 2 से डिवाइड किया 484, 22 से डिवाइड करेंगे तो 22, सो 7 प्लस एच इज इक्वल टू 22, सो ये एच इज इक्वल टू 22 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 5 इन 2 वेरिएबल में लिखना है आपको। एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्लस वाई के साथ कोफिशियंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय वाई, किसके इक्वल गिवन है? 5। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज बतानी है, लोअर अपर लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट या हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। सो हेयर अपर लिमिट इज 61 एंड लोअर नंबर इज 20, सो रेंज इज इक्वल टू 41। रेशन नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 3, ओके 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, एंड 11 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.75। सो ये दोनों ही नंबर 2 एंड 3 के बीच में है, दोनों ही रेशनल नंबर जो है वो 2 एंड 3 के बीच में है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। देन रेशियो ऑफ 10 मीटर एंड 10 किलोमीटर, सो हेयर 10 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर्स होंगे, सो 0 से 0 कैंसिल, रेशियो इज 1 बाय 1000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर एंडिंग इन 9 विल हैव द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर इज, 9 का जब आप स्क्वायर करते हो तो यूनिट 81 आता है, सो यूनिट प्लेस पे 1 नंबर है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट विल बी अ परफेक्ट क्यूब, ओके 2560, इसके अगर आप फैक्टर्स कैलकुलेट करोगे, फैक्टर्स काउंट करोगे, तो फैक्टर्स आते हैं 2 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। सो 2 रेज टू द पावर 9, ये तो क्यूब है, 5 की पावर 1 है, क्यूब करने के लिए हमें 3 पावर चाहिए, मीन्स इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना करना पड़ेगा? 5 स्क्वायर से, विच इज इक्वल टू 25, ऑप्शन नंबर बी। इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल द वॉल्यूम विल बी, ओके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई सेम रहेगा, रेडियस इज हाफ, अगर स्टार्टिंग में पाई आर स्क्वायर एच थी, ठीक है, आपको रेशियो, हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, रेडियस हाफ हुआ है, पाई तो सेम रहेगा, रेडियस हाफ हुआ है, मीन्स आर बाय टू
स्क्वायर, ये रेडियस स्क्वायर हो गया, ठीक है, एंड हाइट इज डबल, जो एच की वैल्यू है वो डबल हो चुकी है, मीन्स 2h, ठीक है। अब रेशियो कैलकुलेट करो, पाई से पाई कैंसिल, ये होगा आई आर स्क्वायर एच रेशियो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एच, एच से एच कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2, तो ये क्या हो गया, 1:1, मीन्स अगर पहले वॉल्यूम 1 थी तो अब उसका हाफ है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर रेडियस हाफ होगा एंड हाइट डबल होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, हाफ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है, बिकॉज वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, अ सोफा सेट वॉज बॉट फॉर 10,000, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 10,000, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स जो भी एसेट होती है हमारी उसके ऊपर ईयर बाय ईयर या फिर टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू कम होती है, तो जो वो वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो डेप्रिशिएट हो रहा है किससे, 10% पर एनम से, ओके। आपको 1 ईयर बाद क्या वैल्यू होगी वो होगी वो बताना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 10,000 है, 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन हुआ है, सो डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या होगी, 10,000 10% के अकॉर्डिंग 1 ईयर के लिए डिवाइड करो, 00 से 00 कैंसिल, 1,000 होगा, मीन्स प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू विल बी 10,000 माइनस 1,000 विच इज इक्वल टू 9,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर यू ना इन द रेशियो, द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 6, 7, 8 एंड 9, ओके। सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों फोर के फोर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है, तो यहाँ से 6, 7, 8 एंड 9 फोर एंगल्स गिवन है, इनका सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल, इन सबको ऐड करोगे तो 30 आता है, सो 30 यूनिट इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा, 12 डिग्री, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 डिग्री है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 72 डिग्री, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84 डिग्री, 96 डिग्री एंड 108 डिग्री। अब ऑप्शंस चेक करो, एग्जैक्टली 2 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, ऑब्वियसली 96 एंड 108 ऑब्ट्यूज एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल है, सो ये करेक्ट है। सेकेंड, 2 पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री, अब चेक करते हैं, 96 प्लस 84 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 108 प्लस 72 अगेन 180 डिग्री, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एबीसी बी अ 3 डिजिट नंबर, आपको ये बताना है कि ये किस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ओके। ए बी सी, बी सी ए, एन सी ए बी। अब 3 डिजिट नंबर है, मींस फर्स्ट में चेक करो, अगर 3 डिजिट नंबर है मींस जो ए की वैल्यू होगी वो 100 एंड ए होगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो 100 नंबर पे है, प्लस बी की वैल्यू 10 10th प्लेस पे है, सो 10B, प्लस सी सिमिलरली 100B, 10C, प्लस ए, 100C, प्लस 10A, प्लस बी, सबको ऐड करोगे तो 111A, 111B, 111C, ठीक है। अब इन सब में 111 कॉमन है, नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस सी बचता है, 111 को फैक्टराइज करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय ए
प्लस बी प्लस सी, मीन्स ये तीनों इसके फैक्टर हुए। मीन्स 37 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, एंड ए प्लस बी प्लस सी से भी डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 9। द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ऑप्शन नंबर ए। वट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी कट आउट ऑफ द रेक्टेंगल मेजरिंग 10 सेंटीमीटर? ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसके बीच में एक सर्कल है, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। आपको वो सर्कल का रेडियस बताना है। सो सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये डायमीटर चेक करो। डायमीटर रेक्टेंगल की ब्रेथ के इक्वल है, मीन्स टोटल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। अ लेबर इज पेड 806 फॉर 13 डेज ऑफ वर्क। ठीक है, 13 डेज के लिए 806 रुपीज पे हो रहे हैं। सो 1 डे का कैलकुलेट करो, 1 डे के लिए 806 डिवाइडेड बाय 13, विच इज इक्वल टू 62 रुपीज। ठीक है, अगर 1 डे 62 रुपीज पे हो रहे हैं, तो इफ ही रिसीव 1798 फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क। ठीक है, सो आपको डेज कैलकुलेट करना है। 1 डे में 62 रुपीज पे हो रहा है, सो 1798 डेज में मतलब ये कितने डेज तक वर्क रहेगा, कितने रुपीज पे हुआ है, तो 1 डे से कैलकुलेट कर दो। 62 से डिवाइड करेंगे तो विच इज इक्वल टू 29, मीन्स कितने डेज तक वर्क किया, 29 डेज। क्वेश्चन नंबर 125। लतिका बॉट अ टीपॉट फॉर 120 रुपीज, ठीक है, एंड अ सेट ऑफ कप फॉर 400 रुपीज। शी सोल्ड टीपॉट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, टीपॉट 5% प्रॉफिट पे सोल्ड हुआ है, मीन्स कॉस्ट प्राइस का 105% होगा, विच इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 126 रुपीज। ठीक है, एंड सेट ऑफ कप 400 मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ 5%, मीन्स 400 का 95% होगा, विच इज इक्वल टू 380 रुपीज। द अमाउंट रिसीव्ड बाय हर, सो कितना अमाउंट उसको रिसीव हुआ है, टोटल 126 प्लस 380, विच इज इक्वल टू 506 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। द क्वाड्रिलेटर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड, वो क्वाड्रिलेटर जिसकी हर साइड इक्वल होती है और हर साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, वो क्या होता है, दैट इज स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू एवरीवन। पार्ट बी विल बी कंटिन्यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैरियर डिफेंस स्किल क्लासेस। माय नेम इज मीना गुलाटी एंड मैथ टीचर। टुडे आई एम शेयरिंग द आरएमएस 2023 मैथ आंसर की फॉर क्लास 9 विद यू। तो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर द क्वेश्चन नंबर टिल 126, सो इन दिस वीडियो वी विल कवर फ्रॉम 127 अप टू 50। सो द क्वेश्चन नंबर 127 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है? देखिए, ये 12 का क्यूब है आपका 1728, और 729 आपका 9 का क्यूब है, 1331 आपका 11 का क्यूब है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, 333 इज नॉट अ क्यूब, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या बोला है, विच लीस्ट नंबर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, हमें पता है 7225 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है?
85 का, 8 को अगर नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 8 9 है 72 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 7225 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसमें से हमें 25 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 7250 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7225 आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट निकालना है। बेटा देखिए, जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स आती है वो स्क्वायर रूट के बाद 1 टाइम आती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.3, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। सम ऑफ एंगल्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। देखिए हेक्सागन है, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 6। मीन्स एन की वैल्यू आपको 6 हो गई, तो 6 माइनस 2 फोर, 4 इंटू 180 दैट इज 720। इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉलिनोमियल और किसी भी जो शेप है उसका आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ साइड्स। उसका आंसर आएगा 720। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें वापस वही वैल्यू मिल जाए। तो रेशनल नंबर की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मतलब सेम वैल्यू मिले, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश बोट एंड एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग अ टैक्स। उसने जो 3300 रुपये का कूलर खरीदा उसमें 10% का टैक्स भी इंक्लूडेड है। द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर एडिंग टैक्स, टैक्स ऐड करने से पहले उसका प्राइस कितना था। तो देखिए बेटा, कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है 100%, तो कॉस्ट प्राइस उसका 100% है, मतलब उसे 10% का टैक्स मिला के वो 110% मिल गया। तो कितने का मिल गया, 3300 का। अगर हम मान लें कि 100% टैक्स ऐड करने से पहले था, तो पहले 1% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 11 3 जो 33 0, तो 100% आ जाएगा आपका 30 इंटू 100, 3000 रुपीज। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक पॉलिनोमियल पी एक्स आपको दे रखा है कितना, x+3। अगर किसी पॉलिनोमियल में उसका माइनस ऐड करेंगे, तो देखिए एक्स में माइनस एक्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0। और पॉलिनोमियल कोई भी हो अगर उसका नेगेशन उसमें ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे ही अगर इसका नेगेशन करेंगे, नेगेटिव करेंगे, तो ये आएगा -x -3। तो एक्स एक्स कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 0। नेक्स्ट है, प्राइस प्रिंटेड ऑन फैन इज 2000 रुपीज, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो देखिए मार्क प्राइस के ऊपर आपका डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, तो 2000 का 8% निकाल के या तो 2000 में से माइनस कर देंगे, 8 2 16, 160 माइनस कर लें, 0, 10 -6 4, 9 -1 8 1, 1840। ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा फैन का, 1840। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल्स फ्रॉम अल्फाबेट। देखिए टोटल वोवल्स होते हैं 5, टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल। तो पॉसिबल तो 26 है, बट पिक कितने करने हैं, 5। तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 5/26, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट का भी स्क्वायर होगा और 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी मुझे यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कह रहा है विड्थ ऑफ द क्लास इज 5। विड्थ का फॉर्मूला होता है बेटा आपका अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट आपको दे रखी है कितनी, 10। अपर क्लास लिमिट आपने निकालनी है। विड्थ आपको दे रखी है कितनी, 5। देखिए अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जो -10 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो अपर क्लास लिमिट आपकी आ जाएगी 15। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। x² - 2x + 1 इट इज अ पॉलिनोमियल इन डैश वेरिएबल। देखिए इस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक हम कोई भी अल्फाबेट यूज करते हैं अगर, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल कौन कौन से यूज हुआ, इसमें सिर्फ ओनली एक्स यूज हुआ, तो दिस इक्वेशन इज ओनली वन वेरिएबल, ए ऑप्शन। वैल्यू ऑफ -10/3 इंटू -15/2 इंटू 17/19 इंटू 0। देखिए कुछ भी वैल्यूज आए, मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो आंसर 0 है, ए ऑप्शन। अगला है आपको फैक्टर्स निकालने, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² - 2 का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से आपका बन जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, बी ऑप्शन मिल जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है आपका वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी हमने यूज की ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। अब देखिए एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की कैंसिल होती जाएंगी, सभी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर जीरो आ जाएगा, डी ऑप्शन। ऑन चिल्ड्रन डे स्वीट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 160 चिल्ड्रन, कह रहे टोटल चिल्ड्रन 160 थे, उनके अमंग हमने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। एक्चुअल में क्या हुआ, चिल्ड्रन डे पे 40 स्टूडेंट्स वर एबसेंट, 40 चिल्ड्रन एबसेंट हो गए, तो प्रेजेंट कितने हो गए, प्रेजेंट हो गए 120। 40 स्टूडेंट एबसेंट होने की वजह से हर बच्चे को 10 स्वीट्स एक्स्ट्रा मिली, तो 120 इंटू 10 मतलब 1200 स्वीट्स एक्स्ट्रा मिली। इसका मतलब क्या है, जो 1200 है वो एक्स्ट्रा मिली है, तो इससे पहले जो स्वीट्स थी टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी थी आपको बताना है। तो देखिए हमारे को ना जो 1200 स्वीट्स एक्स्ट्रा मिली है और 40 स्टूडेंट्स एबसेंट होने की वजह से मिली है वो स्वीट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स तो हमारे 160 थे, लेकिन 40 उस दिन आए नहीं। अब 40 उस दिन नहीं आए तो कितने आए, 120 आए, तो 120 को 10 10 स्वीट एक्स्ट्रा मिल गई, तो मतलब 1200 स्वीट्स तो एक्स्ट्रा मिल गई। पर स्टूडेंट कितनी, 30। अगर मैं ये 40 स्टूडेंट्स की बात करूं तो इनके अमंग ये कितनी हो गई, पर स्टूडेंट 30 हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी, तो 30 इंटू 160, टोटल बच्चे तो 160 थे ना, उनके अकॉर्डिंग थी ये, तो 16 3 48 100, इसका ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा करें। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हु स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है हमारा क्या बोलता है, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आ जाए। अगर मैं 17 स्क्वायर की बात करूं तो ये होता है हमारा 289, और 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, और 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8, 289 कब बनेगा, जब ये 15 और 8 होंगे, तो 8 15 17 का हमारा ट्रिपलेट होता है। अगला क्वेश्चन है, 100% हैड अ प्रोविजन फूड प्रोविजन फॉर 24 डेज, 100 लोगों के लिए 24 दिन का खाना था, 20% लेफ्ट, 20 लोग छोड़कर चले गए, अब खाना कितने दिन चलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2। 100% थे, फूड प्रोविजन 24 डेज का था, 20% छोड़कर चले गए, तो 100 में से 20 छोड़कर चले गए, बचे कितने, 80। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ डेज, 100 इंटू 24 बाय 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जाए 8, 8 3 जाए 24, 3 को 10 से करेंगे 30 डेज, ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिजिट विल बी देयर इन द क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6। देखिए हम जैसे 8 का क्यूब रूट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2। अगर हम 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 का क्यूब रूट निकालते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3। बट हमें नहीं पता, कभी 2 डिजिट नंबर से हमें 1 नंबर मिल रहा है, कभी 1 डिजिट नंबर से 1 नंबर मिल रहा है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, जैसे हमें 4 6 6 5 6 का निकालना है, तो सबसे पहले डॉट प्लेस करेंगे, ब्लैक कलर से एक डॉट प्लेस करेंगे, एक डिजिट छोड़ के फिर दूसरी डिजिट पे, फिर एक डिजिट छोड़ के फिर तीसरी डिजिट पे। अब जितनी नंबर ऑफ डॉट्स हैं उतना ही हमारे क्यूब रूट में डिजिट्स होंगी, तो 1 2 एंड 3 डॉट्स आर देयर, सो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7/3% ऑफ ए नंबर, नंबर हमें नहीं पता, हम उसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपको 42 के इक्वल गिवन है, नंबर फाइंड आउट करना है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 42 इंटू 3 बाय 7। अब देखिए परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 100 भी लगेगा, और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 6 को 3 से करेंगे 18, 18 को 100 से करा 1800, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन। देखिए जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा जो प्लेन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये फर्स्ट पार्ट होता है आपका, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, इसको हम क्वाड्रेंट के नेम से भी जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
नेक्स्ट है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा यूजिंग सिंबल्स। सिंबल्स की हेल्प से जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कौन सा होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में पिक्टोग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन करनी है आपको, 1 + p + q + r + p + q। देखिए इसमें से आपको ना जिसमें पी क्यू कॉमन मिल रहा है आप उसमें से पी कॉमन निकाल लीजिए, जिसमें क्यू कॉमन मिल रहा है क्यू निकाल लीजिए, बट सारे ही ये प्लस के हैं, इसके अंदर नेगेटिव साइन तो आपका आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पी क्यू क्यू आर और पी आर, तो इसमें से पी क्यू आर है, आप कॉमन ले लो यहाँ से पी आर पी क्यू और पी क्यू आर वाली टर्म अगर ले लो, पी क्यू आर वाली रहने दो, पी क्यू पी आर और पी ले लो, तो पी कॉमन लेंगे यहाँ पे भी क्या बचेगा, आर प्लस क्यू प्लस वन, ऐसे यहाँ से आर प्लस क्यू प्लस वन बचेगा आपका, तो ये सारे आपके प्लस में ही बच रहे हैं, एक बार 1 + p आएगा, एक बार 1 + q आ जाएगा, एक बार 1 + r, यहाँ पे माइनस है, माइनस वाले कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है 100 cm², देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के साइड इंटू हाइट, ये आपको 100 cm² दे रखा है, इसका मतलब साइड कितनी आ जाएगी, 10, साइड आ गई 10 cm। सर्कमफेरेंस इन सेंटीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल कट आउट ऑफ दिस, एक स्क्वायर में से जो लार्जेस्ट सर्कल कट आउट कर सकते हैं उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, देखिए जो भी इसका डायामीटर होगा वो साइड ऑफ द स्क्वायर होगी, तो डायामीटर कितना होगा 10 cm और रेडियस कितना होगा 10/2 यानी 5 cm। अब सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला 2 × π × r, पाई की वैल्यू 22/7, तो 2 को 5 से करोगे 10, 10 को 22 से करोगे 220/7, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड विद दिस पेपर एंड आई हैव शेयर्ड ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, एंड आई होप फॉर द बेटर रिजल्ट फॉर यू, एंड आई होप यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, एंड द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी इजी, द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड ऑल क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।